गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेस्टिंग वायरल हैक्स। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां आ रही हैं, सो आज के इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ कुछ वायरल विंटर हैक्स जो आपके काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं फर्स्ट हैक। ये बेसिकली सारे वुलन क्लोथ्स की प्रॉब्लम होती है, थोड़े दिन पहनने के बाद उसमें रोए लग जाते हैं और हमें वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगने लगता है। मैंने ये हैक रेजर के साथ करते हुए देखा है लोगों को, पर मुझे ये ट्राई करना है कि क्या ये स्टोन से भी निकल सकता है कि नहीं। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कि इससे निकलेगा कि नहीं। तो मेरे पास ये स्वेटर है ब्लैक कलर का, इसमें रोए पड़ गए हैं, तो अभी मैं देखती हूँ कि इस पर काम करेगा कि नहीं। तो ये हैक 50-50 काम कर रहा है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, बट आई थिंक ये इसमें इससे निकल नहीं रहा है, बहुत थोड़ा निकल रहा है। और जितना ये रेजर से अच्छे से काम करता है उतना स्टोन से काम नहीं कर रहा है। सो मे बी आपको ट्राई करना है तो आप भी ट्राई करके देख लो, बट ये 50% काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड हैक की तरफ और ट्राई करके देखते हैं कि ये हैक काम कर रहा है कि नहीं। तो इस हैक के लिए मेरे पास है ये गीला जूता जिसमें से पानी टपक रहा है, देख सकते हो। और उसके बाद हमें दो मोजे लेने हैं और एक पॉलीथीन का बैग लेना है। तो इसके लिए पहले हमें एक मोजा पहनना है, उसके ऊपर से हमें ये पॉलीथीन का कवर पहन लेना है, इसके ऊपर से एक और मोजा पहनना है। इतना मोटा हो गया अभी। और ये लेना है जूता, ये जूता काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये मेरा नहीं है, मेरे पापा का है। और मैं सोची थी जूता वैसे भी धोने का था, तो मैं सोच रही थी क्यों ना इसे हैक भी हो जाएगा और जूता भी धुल जाएगा। आई मीन ये हैक के बाद तो मुझे जूते धोने ही पड़ेंगे कैसे भी। तो ये हैक तो काफी सही से काम कर रहा है। आई मीन अभी फिलहाल के लिए तो मुझे पता नहीं चल रहा है मेरे पैर गीले हैं कि नहीं, मेरे पैर में कुछ भी गीलापन महसूस नहीं हो रहा है। मे बी शायद थोड़ी देर के बाद पता चले, अगर कवर के पास पानी लीक हुआ, कवर के आर पार लीक हुआ, तो मे बी शायद पता भी चलेगा, मुझे गीले हो जाएंगे। पर अभी तो फिलहाल के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अभी मैं इस जूते को निकाल के भी देखती हूँ कि अंदर कुछ गीला हुआ है कि नहीं। तो आई मीन जो हमने सेकेंड लेयर सॉक्स पहना था वो थोड़ा थोड़ा गीला लग रहा है इधर, बट आई थिंक कवर की वजह से अंदर का सॉक्स गीला नहीं हुआ है, क्योंकि ये कवर के ऊपर पानी तो आया है पर ये गीला नहीं हुआ है अंदर का सॉक्स। मे बी अगर कवर फटा होता तो शायद अंदर भी पानी चले जाता। सो ये हैक तो काम कर रहा है, बट आप इसे एक हैक नहीं कर सकते, इसे हम इंडियन जुगाड़ कह सकते, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियसली सब लोग यही करते जब उनका जूता गीला होता है या फिर जब हम धो के डाल देते हैं ऊपर सूखने के लिए, तो हमको अगर नेक्स्ट डे पहनना रहता है तो सूखा नहीं रहता है, तो हम यही करते हैं। इस थर्ड वाले हैक को मैं एक हैक नहीं कहूँगी, सेकंड वाले हैक की तरह मैं इसको भी एक इंडियन जुगाड़ी कहूँगी। तो जैसा इन्होंने इस वीडियो में दिखाया है, इन्होंने जिस तरह कवर से इस्तेमाल किया है, आई मीन जिस तरह कवर का इस्तेमाल किया है, उससे तो हम इंडियंस न जाने कितने सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। और अगर आप गाँव में रहे हो तो आपको ये जुगाड़ पक्का पता होगा ही होगा, क्योंकि नॉर्मली बारिश से बचने के लिए गांव में लोग यही करते हैं। तो इस हैक को ट्राई करने का भी कोई सेंस बनता नहीं है, तो मैं इस हैक को ट्राई नहीं करूंगी। चलिए सीधा बढ़ते हैं फोर्थ हैक की तरफ। जैसा इन्होंने वीडियो में दिखाया है, जब भी हम ऐसे वाली टोपियां पहनते हैं तो अक्सर होता है ना कि ये टोपी हमारे कान से सरक के यहाँ पर आ जाती है और हमें इतना इरिटेशन होता है और बार बार उसे खींचना पड़ता है नीचे। मेरे साथ ये अक्सर होता है कि जब भी मैं ये टोपी पहनती हूँ तो ये टोपी मेरे कान से सरक के मेरे सर के पास आ जाता है और मुझे बार बार इसे नीचे खींचना पड़ता है। सो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस हैक को ट्राई करने के। ऐसे टोपी पहनने के बाद हमें ये ऐसे वाले क्लिप्स जो है दो, इसे दोनों तरफ लगाना पड़ेगा
और ये ध्यान रखना कि ये इस फोल्ड के अंदर लगाना, नहीं तो एक क्लिप दिखेगा फिर बाहर से। ये हैक काफ़ी ज़्यादा सही काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले जब मैं ये टोपी पहन रही थी तो ये टोपी ऐसे ऊपर सरक रही थी, और अभी ये ऐसे एकदम स्टिक हो गई है, एकदम स्टिक हो गया और मेरे कान भी कवर हो गए। तो ये काफ़ी मस्त हैक है। आई मीन मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, मैं ये सोच रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैक है। सो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इस हैक को मैं दूंगी 10 out of 10, क्योंकि ये हैक बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। इस फोर्थ हैक के बाद चलिए ट्राई करते हैं फिफ्थ और लास्ट हैक। आपको देखने के बाद ना मेरा दिमाग फिर गया। आई मीन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट वालों का दिमाग क्या घुटने में रहता है? पीछे तुम्हारे पीछे टोपी लटकी हुई है, उस टोपी को लगाना तुम्हें मंजूर नहीं है, पर तुम अपने बाल खराब करके ऐसे भूत बन के घूमोगे, सही है वो? पर मेरा काम है तो हैक को ट्राई करना, सो मैं इस हैक को तो ट्राई करूँगी। चलिए ट्राई करके देखते हैं। इसके लिए मुझे भूत बनना पड़ेगा, बस आप देखते जाओ। सर्दियों में सबके पास एक बेसिक सा हैट होता है, बेसिक सा कैप होता है, जिसे वो पहन के या फिर ठंड से बच सकते हैं, पर कौन ये ऐसे हैक करके घूमता है? तो ये है इस हैक का आउटकम, और आप देख सकते हो ये हैक कितना अच्छा लग रहा है ना, और आप इससे बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड रहोगे। आई मीन बेवकूफ़ समझाए क्या हमें? ये हैक करके कोई बाहर घूमेगा? पागल बना रहे हैं क्या हमें? तो ट्राई करना है तो आप ट्राई कर लो, और अपनी इंसल्ट भरपूर करा लो, लोगों को हंसा लो, लोगों को हंसने के काम तो आप आ ही जाओगे इस हैक को करके। सो इस हैक के लिए तो थम्स अप नहीं, थम डाउन होना चाहिए, वो भी एक एक नहीं दो दो थम डाउन। ये यहाँ से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और मैं यहाँ से बात कर ले किसी काम आओ या ना आओ, पर आप लोगों को हंसाने के काम तो ज़रूर ही आ जाओगे ये हैक करके तो। सो गाइस आज के इस विंटर हैक्स के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए हैक्स के साथ।